अब बात राजस्थान के उन धोरों की करते हैं जिसमें सुर है, संगीत है। धोरों की धरती बाड़मेर में माटी के झरने जितने आकर्षक रहे हैं उतना ही रहस्यमय है यहाँ के सैतराऊ गांव का एक धोरा जिसकी रेत टकराते ही वाद्य यंत्र जैसी आवाज होती है। ये करिश्मा क्यों है, इस विषय पर भूगोल और भूगर्भ के विशेषज्ञों की भी समझ जवाब दी जाती है, लेकिन वे मानते हैं कि इस धोरे का निर्माण ऐसा है कि रेत आवाज कर सकती है। चलिए आपको भी दिखाते हैं। प्रकृति के नज़ारे जितने दिलचस्प हैं उतने ही दिलचस्प हैं इसके राज। कहीं झरनों की आवाज़ जिंदगी में उमंग घोल देती है तो कहीं ढलती शाम बिना कुछ बोले जीवन संगीत बन जाती है, सुरों की बारात बन जाती है। भले ही रेतों के समंदर में निर्जनता का वास हो पर प्रकृति के रहस्य यहाँ भी कम नहीं। यहाँ भले ही जीवन संगीत के चटकीले स्वर न हो लेकिन सुरों की दस्तक जरूर है। ऐसे सुर जो बज उठते हैं, जो सज उठते हैं इन धोरों को आपस में मिलाने पर। ऐसा लगता है मानो मिलन का गीत इन कड़ों में जीवंत हो उठता है, उत्सुकता के साथ, खुशी के साथ, धीरे धीरे पूरे लय में। इस धोरे की रेत आम धोरों की तरह ही है लेकिन फिर भी इसमें एक अलग सी चमक नजर आती है जो सूर्य की गर्मी के साथ धुरों पर ऐसा एहसास कराती है मानो सितारे जड़ दिए हों। धोरों की रेत का ये आकर्षण तो ठीक है लेकिन एक चीज है जो इन धोरों को दूसरी रेत से अलग करती है, हैरान करती है, मंत्र मुग्ध करती है और वो है धोरों का सुर। इस रेत में संगीत भी बजता है। ये धोरा तो 50 वर्षों से बाद तक सुना है, आवाज आए नहीं। 50 वर्षों से सुना है कभी बाज रहा, बहु 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 ये आवाज आती है, दूसरा धोरा नहीं है। अच्छा, पहले बता रहा हूँ कोई मिली होकर कहीं है कौन ठाई ठा पड़ी हूँ तो यो कहते हैं कि यो बात थी कि सिद्धि का बास होना थी। अच्छा, के बार आया तो देखे गया 40 वर्ष पा गया तो आवाज पता ज्यादा जो लगातार गया तो ज्यादा आती रही। मारा नाम ताराराम क्षेत्र भाई, 40-50 साल हो गए आवाज आती है, हो रही है, हमने सुनी, दूसरे गांव वाले आए, कोई भी आदमी आए देखे पर पता नहीं चला भाई क्या हो रहा है क्या नहीं है। 50 साल से हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, किया था काजा था उसको कोई मालूम नहीं पड़ी। अच्छा, हाँ जी, था तो कोई पुराने वक्त में था, किया तो बाकी हमारे को मतलब नहीं। अच्छा, दूसरे कुछ नहीं आती है इसमें ही जाती है, दूसरे उसमें कुछ नहीं आवाज नहीं आई, सुनते आके करती है भू भू यहाँ करती है भाई। कोई सब्जी के मंदिर की बात कर रहे थे, हमने देखा नहीं, कह रहे पुराने वक्त की बात है। हाँ जी, नहीं डर नहीं लगता है। हाँ जी, जितेंद्र सिंह सेत्रो नाम है मेरा। अच्छा, नहीं और किसी भी, मेरे को नहीं लगता किसी भी दौरे में इस तरह की आवाज आती होगी। और जब हमने पता किया इस चीज का, हमें पता चला तो हमने काफी सर्च किया, नेट पे भी सर्च किया, ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी ऐसी चीजें हैं उनको सर्च किया, हमें कहीं नहीं मिला कि इस तरह से कोई दौरा है जिसमें आवाज आती है। जो ध्वनि इसकी है वैसी ध्वनि वाला कहीं पे भी कहीं नहीं। ऐसा था लगभग 96-97 की बात है मेरे हिसाब से। उस समय काफ़ी लोगों को ये जानकारी मिली न्यूज़पेपर के माध्यम से और बाकी कि ये धोरा क्षेत्रों को धोरा बजता है। तो उसके बाद काफ़ी टूरिस्ट और बहुत सारे लोग आए, फॉरनर्स भी कई आए यहाँ पर, एक साइंटिस्ट की शायद टीम भी आई थी यहाँ पर, तो वो यहाँ के सैंपल्स वगैरह भी लेके गई थी और उन्होंने कहा था भाई दिल्ली में सैंपल हम ले जा रहे हैं, इसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ लेकिन लोग ये कहते हैं कि लोग यहाँ से रेत को ले गए थे साथ में और लगभग 3 दिन तक इसकी आवाज़ रहती है और उसके बाद इसकी आवाज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। आवाज़ें उनसे अलग हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ की बात करें या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज़ निकलती है उससे ये आवाज़ बिल्कुल अलग है और मन को छूने वाली आवाज़ है जब भी हम इस रेत को बजाते हैं। और गर्मियों के मौसम में ये देखा गया है कि इस रेत को हाथ में लेकर अगर वो उछालते हैं तो उस समय भी ध्वनि आती है, इसको दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो बिल्कुल एक अलग आवाज़ है इसकी। हाँ, जो पुराने लोग हैं गाँव के वो कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर था शिव जी का और ये भी कहा जाता है कि एक कुआं भी हुआ करता था इसके पास, तो लोग उससे भी जोड़ के इसको देख रहे हैं कि हो सकता है मंदिर है और कोई हो सकता है शिव जी का मंदिर, तो उस वजह से भी अब लेकिन पता नहीं चल पाया उसका कोई भी कारण कि ये उसकी वजह से है कि या नहीं है,
लेकिन आवाज है और बिल्कुल अलग आवाज है। भाई उसको लग सकता है, ये लग सकता है कि भाई सुनसान इलाके में और इस रेत में से कैसे आवाज आ रही है, तो भय का माहौल भी हो सकता है, लेकिन गांव वालों में ऐसा कोई स्थिति नहीं।